गुड मॉर्निंग कंचन। बस एक ही अच्छा आ रहे हैं अभी, धीरे धीरे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी सबकी नींद खुल रही है। हाँ हाँ क्या हुआ, आज सब लेट हैं, उठे नहीं है क्या? सुबह सुबह का पहला लेक्चर है तो लेट आएंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का, फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे।
All right. So good morning, everyone. I think most of the students have joined in. अब बाकी जो late उठ रहे हैं वो लोग फिर आ जाएंगे धीरे धीरे. हम लोग आज का discussion start कर सकते हैं. So एक बार मैं quick recap ले लेता हूँ. हम लोगों ने last class में क्या करा था उसका. सो लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ने के बाद में हम लोगों ने कुछ कमर्शियल सेल्स का डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने आपको बोला था कि एनोड कैथोड क्या रहेंगे, उनके रिएक्शंस पे रट्टा लगाना पड़ता है. एंड देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे वर्क करता है उसके लिए मैंने आपको बताया था दैट हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करें और रिएक्शन ऑपोजिट तरीके से हो जाए. ठीक है. एंड इससे होगा क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा. देन इसका वर्किंग मैंने आपको समझाया था दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब वो जिंक, पहले गैल्वेनिक सेल में कैसा होता था, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, बट हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा के उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रन करवाए हैं, तो जिंक की तरफ रिडक्शन हो रहा है, राइट, ये कैथोड कहलाएगा. कॉपर की तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड कहलाएगा. ठीक है. एंड ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ व्हाट इट वाज इन गैल्वेनिक सेल. इसमें मैंने एक चीज आपको नोट करने के लिए बोली थी पोलैरिटी के बारे में, एनोड कैथोड की पोलैरिटी. गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है. ये चीज मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए. देन हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन किया था कि हम लोग एक सोल्यूशन के थ्रू अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस करंट पास कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके एनालिसिस में दो पार्ट्स देखेंगे हम लोग, एक तो क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और दूसरा उनका क्वांटिटी क्या रहेगा. ठीक है. दिस इज वेयर हम लोग लास्ट क्लास में रुक गए थे. हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को समझने की कोशिश कर रहे थे. तो आज के क्लास में हम लोग यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो इसमें मैं एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू जाऊंगा एंड आप लोग देखना किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे. सो गिव मी वन मिनट. All right. जैसे मैंने आपको बोला हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब हम इसमें एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल जाएंगे. ठीक है. एक एक एग्जाम्पल करेंगे धीरे धीरे एंड उसमें हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे. ठीक है. सबसे पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे और फिर कुछ डिफिकल्ट केसेस भी की तरफ भी देखेंगे. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों के सामने है, यहां पर नोटिस करना. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है, नॉट एक्वस. ठीक है. अभी मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि पानी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. मोल्टन, ठीक है, मोल्टन NaCl यूजिंग, यहां पर भी देखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. ठीक है.
प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स मान लो या फिर ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स मान लो, ठीक है, यू कैन समटाइम्स से प्लैटिनम और ग्रेफाइट, ठीक है, प्लैटिनम तो बहुत महंगा आता है, जनरली ग्रेफाइट ही यूज करते हैं, तो ये क्या ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें ऑब्जर्व करना सेटअप कैसा है, एक ऐसा कंटेनर है इसके अंदर मोल्टन NaCl रखा हुआ है, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोड लगाई हुई है, एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, ठीक है। सो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये ई एक्सटर्नल लगा दिया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव क्या होता था, नेगेटिव जहां पर अटैच होता है वो कैथोड होता है, और पॉजिटिव जहां पर अटैच होता है वो एनोड होता है, ठीक है। तो यहां पर अब देखना कैथोड पर और एनोड पर क्या क्या रिएक्शंस होंगे, राइट, कैथोड पर रिडक्शन होगा, है ना। सो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आयन Na प्लस या Cl माइनस आना चाहेगा कैथोड की तरफ, बताओ, कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयंस आना चाहेगा, Na प्लस की Cl माइनस, Na प्लस ऑपोजिट चार्ज आना चाहेगा ना, तो यहाँ पर होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे हमारी लर्निंग आएगी दैट कटायंस माइग्रेट towards cathode to undergo reduction, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर anode पर क्या हो जाएगा, क्योंकि positively charged है anode, तो इस तरफ anions आएंगे, ठीक है, anions migrate towards anode to undergo oxidation, ठीक है। तो यहां पर क्या रिएक्शंस होंगे, बहुत सिंपल हमें समझ में आ जाएगा, दैट Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पर हो जाएगा Cl माइनस विल गिव यू Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट रहेगा, दीज विल बी द प्रोडक्ट। तो आपका क्या होगा, यहां पर सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस, ठीक है, दिस इज क्योंकि ये सॉलिड ही रहेगा, तो यहाँ पर दिस गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इट गेट्स लिबरेटेड, क्योंकि ये गैस है, एट एनोड, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आप लोगों के सामने, मोल्टन NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसी में चलो अगर मैं आपसे पूछूंगा एक और क्वेश्चन इस तरीके से, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर याद रखोगे,
what will be the products of molten CuSO4 electrolysis? तो इसमें आप मुझे बताओ कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा और एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। कैथोड वाला तो बता दोगे, कैथोड वाला तो एकदम ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Cu2+ Cu2+ two electron formation of Cu। तो ये तो एकदम सिंपल था, ठीक है। अब एनोड वाला जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। ये काफी कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी बैंक में भी दिया हुआ है। ये आपको खुद से तो स्ट्राइक नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन देखना है यहाँ पर। सल्फर तो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में, ठीक है। सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन होगा। देखना, ये H2O8 2- बनाएगा +2 electron, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक्चुअली इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर ये दो ऑक्सीजन -1 में आ गए, ठीक है, परऑक्साइड थे जो। तो यहां पर ये सारे ऑक्सीजन -2 थे, ठीक है, सारे ऑक्सीजन -2 थे, ये ऑक्सीजन भी -2 है, ठीक है। जो चेंज हो गया वो एक्चुअली ये दो ऑक्सीजन हो गए, ये दो ऑक्सीजन -1 में आ गए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया यहां पर, ठीक है। मुश्किल से होता है पर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ये थोड़ा सा याद रखना, मतलब मैं इसको बोलूंगा रिमेम्बर जी, कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैसा है, अब अगर मैं आपको कोई सा भी ऐसे मोल्टन केस दूंगा तो उसमें आपको सिंपली अब समझ में आ गया है कि कटायन का कैथोड पे रिएक्शन कराना है और अनायन का एनोड पर ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। सिंपल सिंपल केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये एक ट्रिकी केस का, ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, बस इसका प्रोडक्ट जो है वो अपने को पहले से गेस नहीं कर सकते अपन, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है, जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जर्व करना, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ मोल्टन, ठीक है, मैं बोलूंगा एक्वस। तो यहां पर ऑब्जर्व करना,
अब मैं सेकंड एग्जांपल ले जा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, ठीक है, से कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस टाइम एक्वस है, ये अब कॉम्प्लिकेशन मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो अब आप यहां पर नोटिस करना क्या नया आ गया, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, नाउ देयर इज कॉम्पिटिशन, ठीक है, नाउ देयर इज कॉम्पिटिशन एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। कैसा कॉम्पिटिशन, ऑब्जर्व करना, यहां कैथोड एंड एनोड पर देखो Cu टू प्लस आयन्स है, ठीक है, सल्फेट आयन्स है, बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से हम लोग बोल सकते हैं वाटर का कटायन H प्लस, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है, पर होता है। एंड सिमिलरली वाटर का अनायन OH माइनस, ठीक है, कम अमाउंट में होता है पर होता है। तो यहां पर कैथोड पर कॉपर टू प्लस और वाटर कंपीट करेंगे एंड एनोड पर सल्फेट आयन और वाटर कंपीट करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों कंपटीशन में कौन जीतेगा ये अब हमें समझना है, ये हमें अब डिसाइड करना है, ठीक है, उसका तरीका क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा। सो यहां पर ऑब्जर्व करना, पहले मैं यहां पर रिएक्शन बता देता हूं, कंपीटिंग रिएक्शंस एट कैथोड, सो कंपीटिंग रिएक्शंस एट कैथोड, एक रिएक्शन रहेगी कॉपर टू प्लस एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर सॉलिड, ठीक है, अच्छा दूसरी रिएक्शन रहेगी वाटर की, ठीक है, अब आपको वाटर की शायद नहीं लिखनी आएगी स्टार्टिंग से, ठीक है, तो अगेन मुझे आपको यहां पर ये बोलना पड़ेगा दैट इसको याद रखना, रिमेंबर द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि ये बार बार हमें देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग प्राइमरीली एक्वस सॉल्यूशंस में डील करेंगे, रिमेंबर रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, आपको क्या क्या बोलते हैं कई बार, क्या ना यहाँ पर ऑब्जर्व करना, कई बार इस तरीके से लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 2H plus aqueous plus 2 electron is giving H2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, आपको इनफैक्ट कई बुक्स में भी मिल जाएगा कि इस तरीके से आप ले लो, क्योंकि वाटर का जो है वो कटायन आ रहा है, ठीक है, बट मैं ये वाला रिएक्शन प्रेफर नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहां पर H प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर H प्लस जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, यहां पर जो भी H प्लस है वो एक्चुअली वाटर के डिसोसिएशन की वजह से आ रहा है,
ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही कम अमाउंट में है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। समझ में आया, मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो सिर्फ पहला वाला दूसरा वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, ये कब सेंस बनाएगा, जब सॉल्यूशन में खूब सारा फ्री एच प्लस हो, ठीक है। बट सॉल्यूशन में क्या है, ऐसे फ्री एच प्लस थोड़ी ना पड़ा है, हमने कहीं से ऐसे एसिड थोड़ा डाल के ला दिया, तो जो भी एच प्लस है वो कहाँ से आया था, वो आया था वॉटर से। तो एक्चुअली जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो रिएक्शन ऑब्जर्व करना क्या है, वो रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस, ठीक है। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन प्लस 1 से 0 जा रहा है, दैट इज द रिडक्शन दैट इज हैपनिंग। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, दिस रिएक्शन इज समथिंग विच यू मस्ट रिमेम्बर, ठीक है। ये समझ में आया, चाहिए तो मैं इनको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, कुछ डाउट आए तो मुझसे पूछना। सो ये एक कॉम्पिटिशन है और ये दूसरा कॉम्पिटिशन है, ये कैथोड पर हो रहा है, ठीक है। अब एनोड पर देखना, कंपीटिंग रिएक्शंस एट एनोड, ठीक है। एनोड पर किस किस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, सल्फेट आयन, ठीक है, SO4 2- आयन और वाटर के बीच में, जो वाटर का OH- आयन है। देख लेते हैं यहां पर, तो एक इसका रिएक्शन तो मैंने आपको अभी ऊपर लिखा ही दिया था कि SO4 2- क्या करता है, इट गोज इनटू S2, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, S2O2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने यहाँ ऊपर लिखाया था आपको, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। ये सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो या तो ये एक रिएक्शन हो सकता है, या इसके दूसरे कॉम्पिटिशन में क्या रहेगा, OH- का, ठीक है। तो ये OH- कहाँ से आ रहा होगा, वाटर से, तो उन दोनों को साथ में कंबाइन करके ही लिखना सेंस बनाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, H2O लिक्विड ये देगा 2H+ एक्वस प्लस 2OH- एंड यहाँ पर ऑब्जर्व करना OH- एक्वस इज गोइंग टू गिव यू, ऑक्सीडेशन होगा ना इसका, ये ऐसा -2 से ऑक्सीजन 0 में जाएगा, ठीक है, O2 में प्लस 2H+, ठीक है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं कि मैंने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया।
प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी गड़बड़ हो गया, फोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन जो है वो माइनस टू से जीरो जा रहा है, और कितने एटम जा रहे हैं उसके, दो एटम है ना। सो अब जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो आप ध्यान रखना, वापस से मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। यही से यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एक्चुअली क्या होगा ये, रिमेम्बर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर था, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर रहेगा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो देखो क्या बनेगा, 2H2O liquid is giving O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electron, है ना। सो दीज टू, ये जो मैंने यहाँ पे एक सल्फेट आयन की और एक वाटर की, ये दोनों कैथोड पर कंपीट करेंगे, है ना। अब आपको देखना है, आपको बताना है कि कौन कंपटीशन जीतेगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू नाउ डिसाइड। तो उसके लिए एक थ्योरी है, ठीक है। वो थ्योरी क्या कहती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये थ्योरी, ये स्टेटमेंट इसका यहाँ पर है, डिस्चार्ज थ्योरी कहते हैं इसको, ठीक है। ये मैं यहाँ पे चाहिए तो स्निप करके रख देता हूँ। इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। पहले इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूं, फिर मैं इसको बताऊंगा कि हम लोग सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे, ठीक है। सो ये थ्योरी है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसमें क्या कह रहा है कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, देन द आयन इज डिस्चार्ज्ड, द आयन इज डिस्चार्ज्ड वन विच रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी, ठीक है, जिसको सबसे कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। और आयन विद लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो अब इस चीज को कैसे समझेंगे, ये रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी, तो कैसा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE था ना, तो मुझे डेल्टा जी कम चाहिए, जिसका कम होगा, ठीक है, वो मेरे को चलेगा, ठीक है। अब उसके लिए यहां पर देखना, डेल्टा जी कम, ठीक है, मिनिमम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे कम मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे उसके लिए ई के ऊपर क्या क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, अब क्योंकि हम लोगों ने तो SRP की वैल्यूज याद करी हुई हैं, तो मैं आपको ये SRP के टर्म्स में ही बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखना, यहाँ पर एट कैथोड, ठीक है, हायर SRP, ठीक है, विथ साइन रिएक्ट्स फर्स्ट, एंड एट एनोड, क्योंकि अगेन हमने SRP के टर्म्स में याद किया है,
देखना है यहाँ पर लोअर एस आर पी, ठीक है, विद साइन रिएक्ट्स फर्स्ट, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, अगर मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जिसको लीस्ट एनर्जी चाहिए, तो उसका मतलब जो ई है, ई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन से मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी, अगर मुझे दूसरे तरीके से देखना है तो ई का मैग्नीट्यूड लीस्ट रिएक्ट्स फर्स्ट, ऐसे आप बोल, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है बोलने का, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि सर हमने तो देखो सब एसआरपी के टर्म्स में देखा है, एसआरपी के टर्म्स में याद है हमें, तो आप एसआरपी के टर्म्स में अगर करना चाहते हो तो ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपन एक ही तरीके से चलते हैं, अपन लोग एसआरपी से ही याद करें तो अपन एसआरपी से ही वर्क करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको डेटा मिल जाता है एसआरपी का, तो देखना यहां पर, मान लो मैं आपको एसआरपी का डेटा देता हूं, यहां पर इनका एसआरपी मैं देता हूं, तो अपने टेबल पर चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एनसीईआरटी, ठीक है, इसमें अपनी टेबल पर आ जाते हैं, अरे कहाँ गई, ठीक है। इसमें देखो कॉपर वाला दिख रहा है आपको, कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन है ना, इसका एस आर पी कितना है, प्लस 0.34, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उठा के लिख लेता हूँ, इसका एस आर पी है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। फिर ये जो वाटर वाला है, ये वाटर वाला भी मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये रहा, ये दिख रहा है वाटर वाला, सेम वही रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन याद रखना पड़ेगा आपको, 2H2O is giving H2 plus 2OH minus, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये रिएक्शन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इसका एस आर पी कितना है, माइनस 0.83, ठीक है। सो अब यहाँ ऊपर आते हैं, कैसा हो गया ये, माइनस 0.83 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, रुको, इसको हल्का सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 0.83 वोल्ट। तो इन दोनों में से कौन सा जीतेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से बताया, कैथोड पे कौन जीतना चाहिए, कॉपर वाला रिएक्शन की वाटर वाला रिएक्शन, बताओ जरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैथोड पर हायर एसआरपी, तो इन दोनों में से किसकी एसआरपी ज्यादा है,
साइन के साथ में, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा हूं मैं, साइन। तो नेगेटिव वैल्यूज कम होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज की ज्यादा होती हैं। तो कौन जीतेगा यहाँ पर? कॉपर। राइट, कॉपर जीत जाएगा, ठीक है। सो इससे हमें समझ में आया दैट यहाँ पर कॉपर इज द विनर, ठीक है। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्प्लाइज सी यू 2+ wins the competition and copper is deposited at cathode. ठीक है, यहां पर ही हो गया। अच्छा, अब एनोड वाली साइड पे आ जाओ। एनोड वाली साइड पर, ठीक है, मैं एसआरपी का डेटा आपको देता हूं। अब इसका जो एसआरपी का डेटा है ना, सल्फेट वाला, ये तो बुकलेट में भी नहीं है, मतलब ये एनसीईआरटी के उसमें भी नहीं है। ये मैं आपको अलग से ढूंढ के देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसकी वैल्यू कुछ 2.05 होती है शायद, एक मिनट ना मैं देख के बताता हूँ। हाँ, 2.05। सो ये ऐसा प्लस 2.05 वोल्ट होता है, ठीक है। वैल्यू नहीं याद रखनी आपको कुछ भी, ये वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और जो ये वाटर वाला है, ठीक है, ये वाटर वाला, हाँ ये मिल जाएगा अपने को टेबल में, यहां पर ऑब्जर्व करना। ये वाटर वाला, ये रहा, ये दिख रहा है, यही रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। H2O is giving O2 plus 4H plus plus 4 electron, ठीक है, नोटिस करना, यही रिएक्शन है अपना यहाँ पर H2O, ठीक है। H2O इसमें हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। H2O is giving O2 plus 4H plus plus 4 electron, ठीक है। अब इसका SRP देखना, इसका SRP क्या दिया हुआ है, इसका SRP दिया हुआ है 1.23, ठीक है। तो मैं यहां पर प्लस 1.23 वोल्ट लिख दूंगा, ठीक है। एक्चुअली इसके नीचे लिखना चाहिए, यहां पर हो रहा है, इस वाले रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, प्लस 1.23 वोल्ट, ठीक है। सो अब ये दो में कौन जीतेगा, ठीक है। यहां पर क्या है हमारा लॉजिक एनोड पर, विथ साइन लोअर एसआरपी शुड विन। तो यहां पर बिटवीन दीज टू, एज यू कैन सी, वाटर का एसआरपी लोअर है, ठीक है, वाटर का एसआरपी लोअर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कौन जीत रहा है यहां पर, वाटर विंस, H2O विंस एट एनोड, एंड क्या लिबरेट होगा, O2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ये समझ में आया? मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं। हम लोगों ने अभी जो समझा है वो समझा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने वो क्या था, मोल्टन पढ़ा था। तो मोल्टन में तो क्या है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कटायन एक ही है जो रिएक्ट करेगा कैथोड पर, और अनायन एक ही है जो रिएक्ट करेगा एनोड पर, ठीक है। बट जब हम एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक्वस मतलब पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाला हुआ है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट का कटायन है और वाटर, ठीक है, वाटर से जो H प्लस आ रहा है बेसिकली वो कंपीट करेंगे, और जो एनोड है वहां पर एनायन
एंड अगेन वाटर से जो OH माइनस आ रहा है वो कंप्लीट करेंगे. एंड इसमें अब कौन जीतेगा उसके लिए एक थ्योरी होती है, ठीक है. उस थ्योरी का आइडिया यही है कि जिसको कम एनर्जी लगेगी वो पहले जीत जाएगा, ठीक है. बट उस कम एनर्जी को अब हम कैसे रीड करेंगे वो मैंने आपको सिखाया है SRP के टर्म्स में, जो कि आपको याद रखना है दैट एट कैथोड हायर SRP रिएक्ट्स फर्स्ट एंड एट एनोड लोअर SRP रिएक्ट्स फर्स्ट, ठीक है. ये विद साइन में बात कर रहा हूं. ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व करना इस चीज को हम लोग अब आगे कैसे बढ़ाएंगे. तो अब एक तो तरीका ये है कि आपको हर बार डेटा मिल जाए SRP का और उसके बेसिस पे आप आंसर करो. या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार SRP का डेटा नहीं देते हैं, ठीक है. तो उस केस में आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको रिलेटिव ऑर्डर्स पता हो, ठीक है. तो यहां पर ये कॉमन आयंस में कौन जीतेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है. तो मैं इसको आपको अब याद करवाने की कोशिश करूंगा. यहां पर ऑब्जर्व करना, सबसे पहले कटायंस की बात करते हैं, ठीक है. तो मान लो ये कॉमन कटायंस है, मैं यहां पे देखो क्या लिखता हूं. सिंस और यू कैन से इफ SRP डेटा इज नॉट गिवन, ठीक है. इफ SRP डेटा इज नॉट गिवन देन रिमेंबर दिस रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है. ये कैसा है यहां पर ऑब्जर्व करना, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं. कटायंस के लिए इस तरीके से है, तो इसमें अब आप ऑब्जर्व करना, ठीक है. यहां पर ये H प्लस दिया हुआ है, ठीक है. तो ये वाले जो आयंस है, ठीक है, ये वाले जो आयंस है Li प्लस K प्लस Na प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम अल्यूमिनियम, ठीक है, इनका SRP आपको याद हो तो काफी कम होता है, ठीक है. नेगेटिव में रहता है, काफी कम होता है. सो इनका कंपटीशन अगर वाटर के साथ में हो रहा है, ठीक है, वर्सेस वाटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन वाटर विंस, ठीक है. क्योंकि कैथोड पर क्या लिखा है, हायर SRP, ठीक है. मैं आपको यहां पर चाहिए तो वापस से ये टेबल दिखा देता हूँ. तो इसमें देखो ना, ये जो आप देख रहे हो लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम अल्यूमिनियम, ठीक है, और फिर ये वाटर वाला दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाटर वाला है. तो अब इनके कंपैरिजन में हायर SRP किसका है, वाटर का है, तो वाटर जीत जाएगा एज कंपेयर टू दीज आयंस, ठीक है. फिर अगर मैं इन आयंस के बारे में बात करूं, जिंक आयरन निकल, ठीक है, इनके बारे में कैसा रहेगा, इनका अगर कंपटीशन हो रहा है वर्सेस वाटर, ठीक है, तो उस केस में एक्चुअली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन
ठीक है, इफ, और कैसा होगा, जनरली आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का डेटा नहीं मिलेगा, तो इनके केस में भी, ठीक है, हम लोग लिख देंगे डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बट मोस्टली वॉटर विंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, पर क्योंकि मैंने जैसा देखा है क्वेश्चंस वगैरह में डेटा देते नहीं है, तो उसमें भी आप वाटर ही लगवा देना, ठीक है, वाटर जीत रहा है, मतलब वाटर जीतने पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ना, वाटर जीत रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, OH- आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाले जो आयन्स है, कॉपर 2+, Hg2+, Ag+, Au3+, ठीक है, इनका कॉम्पिटिशन अगर विद वाटर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर द मेटल आयन्स विन, ठीक है, दैट इज मेटल गेट्स डिपॉजिटेड, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर या गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द कैथोड, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, अगर अपने को मान लो एसआरपी का डेटा वगैरह नहीं मिले तो अपने को एक रिलेटिव ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर याद हो तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हुए भी देखा था, दिखाऊ मैं कहाँ पर देखा था अपन ने, लास्ट वीक ही देखा था, हाँ ये वाले जब क्वेश्चंस अपन कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड, याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे गया था, यहीं पे करा था, दिख नहीं रहा कहाँ पे लिखा था वो, ठीक है चलो इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं, ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऐसे लाइका और लाइका ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, लाइका ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, फिर यहां पर एक्चुअली SN और PB भी रहते हैं, ठीक है, SN2+ PB2+, सुनकर पापा बोले नहीं, कॉपर चांदी सोना ला दूंगा, ठीक है, तो या तो ऐसा करो, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं,
एल आई प्लस के प्लस एन ए प्लस. सो लाइक का या कुछ एल आई से क्या नाम रखोगे? एल आई के लाइका ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है. फिर उसके बाद यहां पर आता है ऐसे, सुनकर पापा बोले, ठीक है, एस एन पी भी रहता है, निकल भी यहीं पे रहेगा अभी बीच में कहीं पे. सुनकर पापा बोले, हाय क्यूटी, ठीक है, हाय क्यूटी, सोना चांदी या चांदी सोना, एक्चुअली चांदी सोना ला दूंगा. ए जी ए यू थ्री प्लस, ठीक है, ये आप याद कर लो भले, चलो ठीक है. थोड़ा सा अंतर है बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा इतने से. ये आपके लिए कटायंस का ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, हाँ वो एच जी नहीं लिखा मैंने जयश्री, वो एच जी उसमें गाने में आता नहीं है इसलिए मैंने हटा दिया. पर एक्चुअली एच जी से ज्यादा कॉमन कॉपर सिल्वर और गोल्ड ही है. ठीक है, एच जी वगैरह का एग्जाम्पल कम ही पूछा जाता है, या मतलब मैंने तो नहीं देखा आज तक एग्जाम में पूछते हुए, ये ज्यादा कॉमन है. ठीक है, तो आप ये याद रखना ऑर्डर, और इसमें आपको मिल जाएगा कि वाटर के साथ में कंपटीशन में कौन जीतेगा. ठीक है, तो ये आपका कटायंस का हो गया. ऐसे ही अनायंस में भी अगर अपने को डेटा नहीं मिलता है, ठीक है, तो अनायंस में आप ऑब्जर्व करना, अनायंस में किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको बोला. इसमें ज्यादा अनायंस नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत ही रहेंगे सिलेक्टिवली, उनका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि उनको आपको कैसे देखना है. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, स्क्रीन दिखा हुआ मैंने, ठीक है, यहीं से उठा लो. SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, ठीक है. सो ऐसा एफ माइनस एस ओ फोर टू माइनस एन ओ थ्री माइनस ओ एच माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ठीक है, ये सारे कॉमन वाले हैं. ठीक है, इसमें ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जर्व करना, ये वाले जो आयंस है, ठीक है, एक्चुअली यहां पर ना एक थोड़ा सा
Cl माइनस यहाँ पर आता है, OH माइनस यहाँ पर आता है, और फिर एक एक्सेप्शन भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. सो एफ माइनस सल्फेट एनओ थ्री माइनस, ठीक है, इनका जब कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है, वर्सेस वाटर, ठीक है, देन वाटर विंस, ठीक है, वाटर विंस कर जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन. अगर वाटर जीत जाएगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर वाटर जीत जाएगा तो क्या होता है, वाटर का रिडक्शन होता है एंड एच टू गेट्स लिबरेटेड. यहां पर अगर वाटर जीत जाएगा तो क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एनोड पर होगा ना, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो में आ जाएगा, ऑक्सीजन गेट्स लिबरेटेड, ठीक है. यहां पर ये जो बी आर माइनस और आई माइनस आयन है, इनके केस में क्या होगा, वर्सेस एच टू ओ, यहाँ पर अनायन जीत जाएंगे, ठीक है, अनायंस विन, बी आर माइनस और आई माइनस जीत जाएंगे, तो बी आर टू और आई टू बनेगा एनोड पर, ठीक है. यहां पर नोटिस करना जो Cl- के साथ में है, Cl- के साथ में ये एक एक्सेप्शन है जो आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज यू कैन से एन एक्सेप्शन ड्यू टू, हम लोग एक टर्म बोलते हैं ओवर वोल्टेज, ठीक है. वैसे तो देखो यहाँ पर OH- और Cl- में कौन जीतना चाहिए था, क्योंकि Cl- लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वाटर जीतना चाहिए था, ठीक है. जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसके साथ में है, इन सब में क्या हो रहा है, वाटर जीत रहा है. जो OH- के राइट में है उनमें अनायन जीत रहा है. बट यहाँ पर ये जो Cl- है इस पर एक एक्सेप्शन रहेगा, दैट Cl- के केस में, ठीक है, जीतना वाटर को चाहिए था. बट यहाँ पर एक फिनोमेना होता है ओवर वोल्टेज का, ड्यू टू ओवर वोल्टेज Cl2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब क्लोरीन आयन जीत जाता है और Cl2 रिलीज हो जाता है, ठीक है. ये आपको याद रखना होता है, ये एक एक्सेप्शन है ओवर वोल्टेज का, ठीक है. क्या होता है ओवर वोल्टेज, उसकी डिटेल्स में मत जाओ अभी, ठीक है, पहले आप ये याद रखो. ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम याद रखेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि कंपटीशन पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है. तो मैं आपकी बुकलेट में से ही अब ये एग्जांपल्स लेना शुरू करता हूँ, ठीक है. एंड अब अपन इनमें देखेंगे कि कौन से केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये अपन लोग करते हैं, ठीक है. तो इसको मैं क्विज की तरह करता हूँ, तो मैं एक बार शेयरिंग स्टॉप करके पहले आंसर मिटाता हूँ, ठीक है. तो एक मिनट मुझे दो, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके पहले नोट्स में उतार लेता हूँ एंड फिर वहां पर आप लोग बताना मुझे आंसर्स क्या रहेंगे, ठीक है. तो अभी इसमें
राइट ये देखो तो इसमें अब आप मुझे आंसर बताओ कि अगर एक्वस NaOH का, ठीक है, ये जैसे पहला एग्जांपल हो गया, एक्वस NaOH का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शन होंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी एक्वस NaOH है तो कैथोड पर कंपटीशन किस किस का होगा? Na प्लस और वाटर के बीच में, ठीक है, Na प्लस और वाटर के बीच में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा? वाटर, वाटर जीत जाएगा। ठीक है, सो या तो रुको मैं ऐसा करता हूं कि अरे अभी काला वापस, रुक जाओ, चलो एक मिनट मुझे वापस दो, मैं इसको दोबारा से क्लीन करता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, एक मिनट दो, ठीक है, राइट। सो यहां पर अब आपको लिखना है कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, एंड एनोड पर क्या रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला केस हो गया, अरे एक्वस NaOH, तो Na प्लस और वाटर में कौन जीतेगा? वाटर। ठीक है, ये आपने यहां ऊपर से डिसाइड करके मुझे बताया। अच्छा, उसकी रिएक्शन क्या होगी वाटर की, ये आपको याद रखनी है जो मैंने बताया था, वाटर की रिडक्शन रिएक्शन, ये यहां से आपको याद रखना है, ये वाटर का रिडक्शन रिएक्शन था। क्या हो रहा है यहां पर? H2 गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है, सो 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन is going to give you H2 gas plus 2OH minus aqueous, ठीक है। अच्छा, एनोड पर क्या हो जाएगा? एनोड पर वाटर और OH minus, वो तो सेम ही चीज हो गया, ठीक है,
वाटर है या OH माइनस, वो तो सेम ही चीज हो गया, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा राइट। तो क्या बनेगा अब ये यहाँ पर ऑब्जर्व करना आप, वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ये रिएक्शन रहेगा है ना। सो टू एच टू ओ इज गोइंग टू गिव यू ओ टू गैस प्लस फोर एच प्लस एक्वस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा रिएक्शन क्या है और क्या क्या बन रहा है। अच्छा फिर मुझे बताओ फ्यूज्ड NaOH के केस में क्या रहेगा। तो ये पहला वाला अपना हो गया, दूसरा वाला है फ्यूज्ड NaOH। अब इसमें कैथोड पर क्या रहेगा, फ्यूज्ड का मतलब कैसा हो गया, मोल्टन। ठीक है, तो इसमें वाटर है ही नहीं, तो इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो कैथोड पर कटायन आएगा और एनोड पर, सॉरी कैथोड पर कटायन आएगा और एनोड पर अनायन आ जाएगा राइट। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां पर Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na, ये आ जाएगा कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगा, यहां पर यही OH माइनस। ठीक है, OH माइनस जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, OH माइनस विल गिव यू O2 गैस। ठीक है, प्लस 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे है ना। अच्छा अगर एक्वस NaCl है, तो क्या होगा, अब कंपटीशन होगा कैथोड पर Na प्लस और वाटर के बीच में, कौन जीतेगा, वाटर, वाटर जीत जाएगा, एकदम सही। तो यहां पर अब रिएक्शन वाटर के रिडक्शन का होगा, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, 2H2O plus 2 electron is going to give you H2 gas plus 2 OH minus aqueous, ठीक है, वाटर का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, बेसिकली हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो चला जाएगा। और अब एनोड पर क्या होगा, राइट right? मैंने ये आपको बताया, ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है वो अभी यहाँ पर जस्ट काम आ रहा है अपने, दैट क्लोरीन और वाटर में, ठीक है, एक्चुअली ये एक्सेप्शनल केस है ओवर वोल्टेज का, जिसकी वजह से क्लोरीन जीतेगा। तो यहाँ पर Cl2 और सॉरी Cl2 नहीं Cl- माइनस आयन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, टू Cl- माइनस एक्वस is going to give you Cl2 gas plus 2 electron, ठीक है। अच्छा फिर अगर fused NaCl है,
वाटर है ही नहीं, मोल्टन है, तो क्या होगा? Na plus. एकदम सही, यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जो कटायन है वो कैथोड पे, और जो अनायन है वो एनोड पर। ठीक है, अच्छा फिर ये तो अभी ऊपर वाला एग्जांपल हो गया जो मैंने आपको कराया था। पर वापस से चलो रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट है। अब एक्वस सॉल्यूशन में कंपटीशन रहेगा तो कैथोड पर कॉपर 2 प्लस आयन। ठीक है, ये एक्चुअली कॉपर 2 प्लस है, माय बैड, कॉपर 2 प्लस आयन और वाटर के बीच में कौन जीतेगा? कॉपर। कॉपर जीत जाएगा, एकदम सही। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो रहेगा कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर सॉलिड। ठीक है, और सल्फेट और वाटर के बीच में यहाँ ऊपर देखो वाटर जीत जाएगा। राइट, सो वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अब आपको आना चाहिए। ठीक है, खुद से लिखना आना चाहिए। वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन 2H2O लिक्विड, इससे O2 गैस निकलेगा ना, हाइड्रो ऑक्सीजन -2 से 0 चला जाएगा, प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा फिर डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बीच का अंतर भी देख लो। डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा? वाटर। यहाँ पर कैथोड पर कंपटीशन ही नहीं है, कैथोड पर तो H प्लस आयन ही है और वाटर से भी H प्लस आयन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख दूंगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस, ऐसा लिख दूंगा मैं। ठीक है, मैं यही वाला रिएक्शन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, H प्लस फ्रीली प्रेजेंट होगा ना। ठीक है, आप दोनों लिख दो चलेगा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस, ये भी चलेगा मुझे। दोनों में से कोई सा भी लिख दो क्योंकि डाइल्यूट सिचुएशन है। ठीक है, एंड सल्फेट और वाटर के बीच में क्या जीतेगा? वापस से यहाँ पर वाटर जीत जाएगा। राइट, सो यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगा जो सेम मैंने ऊपर लिखा, बस वही 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है, कैथोड पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैथोड पर वाटर ही या H प्लस आयन ही रिएक्ट करेगा, उससे H2 गैस प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पर अब एनोड में देख लेना। ठीक है, ये मतलब दिस इज लाइक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसको आप मोल्टन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें फिर कैसा हो जाएगा कि सल्फेट के कंपटीशन में वाटर खास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैसा हो जाता है, देन इट इज लाइक मोल्टन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन डिस्चार्ज हो जाएगा, SO42 माइनस इज गोइंग टू गिव यू S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप एक चीज ध्यान रखना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड के केस में होगा। ठीक है, जब काफी ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ में होगा। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला बता दो, एक्वस AgNO3 के साथ में क्या होगा, कैथोड पर
वेरी गुड। सो यहाँ पर वाटर और एजी प्लस में, यहाँ हमने ऊपर देखा है वाटर और एजी प्लस में, वाटर और एजी प्लस में एजी प्लस आयन जीतेगा। यहाँ पर एजी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू एजी सॉलिड, एंड इस तरफ वाटर, हाँ वाटर जीत जाएगा। एनओ थ्री माइनस और वाटर में टू एच टू लिक्विड इज गोइंग टू गिव यू ओ टू गैस प्लस फोर एच प्लस एक्वस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक करा हुआ है ना, ये लास्ट वाला, इसमें कैसा है, इसमें ये इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं करी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अभी इसको छुपा दिया कि हमको देखना है कि अभी हमने जो भी पढ़ा वो सब ऐसा पढ़ा जहां पर इलेक्ट्रोड इनर्ट था, इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी अगर मैं इलेक्ट्रोड को भी एक्टिव बना दूंगा, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोड भी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लेगा। ठीक है, पर इतना अभी तक समझ में आया आपने को? Yes. ठीक है, तो इसी में हमारे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बस एक और लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो इसमें ऐड करनी है वो मैं ऐड कर देता हूँ कि अब हम इलेक्ट्रोड भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में एंड में मैंने आपको बताया था ना कि प्रोडक्ट किस किस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो हम लोगों ने ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड इनफैक्ट आज जो एक्सेप्शन वाला केस बताया ना मैंने, क्लोरीन वाला, कि ओवर वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, वो भी देख लिया, इनके भी सिलेक्ट एग्जाम्पल्स देख लिए। अब जो एक बचा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा अगर इलेक्ट्रोड भी एक्टिव है तो। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं अब कि अगर मान लो इलेक्ट्रोड भी एक्टिव है तो हम कैसे आंसर करेंगे। ऑल राइट, सो यहां पर देखना, एज अ थर्ड एग्जाम्पल, सो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहां पर इनफैक्ट लिख देता हूं, the above examples were discussed with inert electrodes only. ठीक है, if the electrode is non-inert, ठीक है, non-inert को हम लोग क्या बोलते हैं, active, ठीक है, अगर electrode active है, then it also has to be considered in कॉम्पिटिशन। ठीक है, एंड अब नोटिस करना कि इससे हम लोग कैसे सीखेंगे। सो लेट मी टेक द थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, एंड दिस विल बी
ध्यान से ऑब्जर्व करना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर कैथोड एंड कॉपर एनोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लगाया है यहां पर, जो इलेक्ट्रोड है वो भी कॉपर का ही है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं अब वो हो जाएगा, आपको नहीं पता पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में, बट एंड में आपको समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, आपने हो सकता है बचपन में पढ़ा हो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है, अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो। अब मैं उसको यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो कैसे रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना, ये मेरा एक कंटेनर के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड ये मेरा कॉपर का ही इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, राइट, एंड मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, ठीक है, ई एक्सटर्नल अप्लाई करके अब करंट इनमें रन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखना कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर देर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन व्हाट ऑल। कैथोड पर पहले तो किस किस के बीच में कॉम्पिटिशन था, कॉपर टू प्लस एंड वाटर था, ठीक है। अब यहां पर नोटिस करना, कॉपर इलेक्ट्रोड भी आ जाएगा, ठीक है, ये जो है ये मेरा एक्टिव इलेक्ट्रोड यहां पर अब ऐड हो गया है कॉम्पिटिशन में, ठीक है। वैसे ही एनोड साइड में पहले सल्फेट आयन था वर्सेस वाटर था वर्सेस अब कॉपर इलेक्ट्रोड भी आ गया है कंपटीशन में, ठीक है। तो अब यहां पर देखना जो कंपीटिंग रिएक्शंस है CO2 plus aqueous plus 2 electron is giving copper solid, ठीक है, या फिर 2H2O liquid plus 2 electron is giving H2 gas plus 2 OH minus aqueous, है ना, and तीसरा क्या होगा, कॉपर सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अनायन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अब इन तीनों में, ठीक है, ये एक्चुअली होगा ही नहीं, कॉपर जो है उसका अनायन नहीं बनाता, ठीक है। अगर मैं मान लो कहीं से डेटा लेकर भी आ जाऊं इसके एसआरपी का, ठीक है, तो ये काफी लो वैल्यू होगी, ठीक है। तो कॉपर ऐसे अनायन नहीं बनाता, मेटल्स जो हैं वो ऐसे अनायन नहीं बनाते हैं, तो इसका जनरली डेटा रहता भी नहीं है। अगर डेटा में लेके भी आ जाऊंगा कहीं से तो भी नहीं होगा, ठीक है।
एंड इन दोनों में कौन जीतेगा कॉपर 2+ एंड वाटर के बीच में? कॉपर, राइट? ये अपन ने देखा हुआ है दैट दिस इज द विनर. अब एनोड के ऊपर फोकस करते हैं. 2SO4 2-, क्या दे सकता है? S2O8 2-. S2O8 2- aqueous plus 2 electron, या फिर 2H2O liquid is giving O2 gas plus 4H+ aqueous plus 4 electron, and हो सकता है that copper 2+ ion दे दे. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. अगर मैं इन सब का SRP नोटिस करूंगा तो ये +2.05 था, ये +1.23 था और ये +0.34 है. ठीक है, ये इनके SRP हैं. कहां से निकाले ये? ये मुझे याद आ रहे हैं, यहां से निकाला. ठीक है, ये वाटर वाला तो ये था. ठीक है, ये वाटर का ये कांग्या हाई ये रहा, ये वाला, ये वाटर का रिएक्शन था. ठीक है, H2O इज गिविंग O2 प्लस 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसका मैंने SRP लिख दिया. ठीक है, सल्फर वाले का तो मैंने आपको बताया था कि सल्फेट का वो अलग से रेट है, और यहाँ पर कॉपर का लिख दिया कि कॉपर, अगर कॉपर 2+ आयन में जा रहा है तो उसका SRP 0.34 है. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए. तो इन तीनों में अब हमने क्या सीखा था यहाँ पर एनोड पर? एनोड पर हमारा क्राइटेरिया क्या था जो हमने यहाँ पर सीखा था? लोअर SRP रिएक्ट्स फर्स्ट, है ना? तो यहां पर अब आप नोटिस करोगे तो किसका SRP कम आ रहा है? ये आपको दिखेगा कॉपर का. तो आप देख रहे हो कि ये जो हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको और डिटेल दे देता हूं कि क्या करते हैं हम लोग. एनोड पर इम्प्योर कॉपर का रॉड लगाते हैं और कैथोड पर प्योर कॉपर का रॉड लगाते हैं. तो एनोड पर देखो क्या हो रहा है. एनोड पर से, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा अब कि एनोड पर से कॉपर 2+ सॉल्यूशन में जा रहा है और कैथोड पर कॉपर 2+ कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका इम्प्योर था और ये आपका प्योर है. ठीक है, और जो इम्प्योर के अंदर जो भी मतलब चीजें बच जाती हैं वो क्या है? नीचे सेटल हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो सिर्फ कॉपर का हो रहा है. अब जो भी उसमें इम्प्योरिटी एंड ऑल है वो सॉल्यूशन में आ जाएंगी या फिर यहाँ नीचे सेटल हो जाएंगी. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो नीचे सेटल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड, है ना? इसमें कई बार गोल्ड और सिल्वर भी मिल जाता है क्योंकि कॉपर गोल्ड सिल्वर में, ठीक है, एक्चुअली कॉपर पहले डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, कॉपर यहाँ पे निकलता चला जाएगा और जो सिल्वर और गोल्ड होगा ना वो क्या होगा, नीचे खिर जाएगा. वो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो तो बस ऐसा होगा क्योंकि कॉपर का रॉड खत्म होता जा रहा है तो अब उसमें जो भी गोल्ड सिल्वर था या जो भी ऐसी इनर्ट इम्प्योरिटी थी, ठीक है, वो एनोड मड के फॉर्म में नीचे खिर जाएगी.
तो एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। ये समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये याद रखना ठीक है। मतलब क्या आज पहली बार देख रहे हो, तो मैंने आपको समझा दिया कि लॉजिक कैसा रहेगा, क्या रहेगा, पर रिवीजन करना बहुत जरूरी रहेगा इस चीज का। ठीक है, अभी इसमें एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, वो मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। पर इस तरीके से मतलब सिल्वर को भी रिफाइन करते हैं। ये तो मैंने कॉपर का एग्जांपल ले लिया, आपको चाहिए तो आप सिल्वर का ले लो, ऐसे ही सिल्वर भी रिफाइन हो जाएगा। उसमें आप क्या करोगे, सिल्वर की रिफाइनिंग करनी होगी तो कैथोड पर प्योर सिल्वर लगाओगे, एनोड पर इम्प्योर सिल्वर लगाओगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे? इलेक्ट्रोलाइट आप सिल्वर का ही सॉल्ट ले लेना, AgNO3 ले लेना। ठीक है, मैं अगली क्लास में करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहीं से डिस्कस करेंगे। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, ठीक है, और इसको रिकैप करना, रिवाइज करना काफी जरूरी रहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में कंपटीशन में कौन जीतेगा, प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं एक बार दोबारा इसका रिवीजन करा के ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप लोग भी खुद से पढ़ के आना। ठीक है, और काफी इजी पार्ट है, मतलब जैसा आप देख रहे हो ना, बस एक बार याद करने में एफर्ट लगता है, पर उसके बाद आंसर बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो, तो कल अगली क्लास में, कल तो नहीं, मतलब जब भी अपना अगली क्लास है, इसी को अपन रिवाइज करेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, आज के लिए यहीं पे रोकते हैं क्लास। कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? चलो ठीक है, देन लेट्स क्लोज द लेक्चर फॉर द डे। थैंक यू गाइज।